नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बिहार के साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरें आपको कराते हैं अपडेट। आज है 4 नवंबर, आइए जानते हैं प्रमुख 25 खबरें। सबसे पहले हम बात जॉब की कर लेते हैं। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर निकली है भर्ती। आपको बता दें कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से ही शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार shs.bihar.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख है 21 नवंबर 2024 तक है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कुल 4500 पदों पर आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 तक वेतन दिया जा सकता है। वहीं आपको और बता दें कि बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज आवेदन करने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा सीसीई 2024 के लिए कल यानी कि बीते दिन को छोड़ दें तो आज 4 नवंबर 2024 तक आज तक आवेदन करने की आखिरी तारीख बताई जा रही है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज जरूर कर ले। आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन आज कर लें अगर आप चाहते हैं इसमें। तब वहीं अब बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी को लेकर। तो WC फाइनल की दौड़ में भारत लगभग बाहर, कोई चमत्कार ही दिला सकता है टिकट। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 सुपड़ा साफ होने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया WTC फाइनल की दौड़ में लगभग बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश झेलने के बाद टीम इंडिया ने WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 का ताज खो दिया है। रोहित शर्मा की टीम अब 58.33% अंकों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का घर बैठे बैठे फायदा हुआ है। पैट कमिंस की टीम अब 62.5% अंकों के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई है। वहीं भारत पर जीत हासिल कर न्यूजीलैंड का 1 पायदान का फायदा हुआ है। तो यह क्रिकेट से जुड़ी खबर थी। वहीं हम आपको बता दें कि क्या थी लालू की सबसे बड़ी गलती। मीसा भारती ने बताया, खंगाल दिया सम्राट चौधरी का इतिहास। बड़ा बयान मीसा भारती ने दी है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी और राजद की सांसद मीसा भारती ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की कृपा से ही आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उन्हें पूछ रही है, क्योंकि उन्होंने ही कम उम्र होने के बावजूद सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया था। हालांकि मीसा भारती ने इसे लालू यादव की बड़ी राजनीतिक गलती भी करार दिया है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा के सांसद ने नीतीश कुमार, सीताराम मांझी और गिरिराज सिंह को भी जमकर सुनाया है। हालांकि इसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात कही है और मीसा भारती पर हमला किया है। इधर बता दें कि चौथी बार टीम इंडिया 200 से कम का टारगेट नहीं कर पाई चेंज, 6 साल बाद हुआ ऐसा। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे मैच में भारत के पास जीत हासिल करने का मौका था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और टीम 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 121 रन ही बना सके। यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम की अपनी धरती पर 3 मैच की सीरीज में सुपड़ा साफ हुआ। इससे पहले भारतीय टीम को अपनी धरती पर 2000 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2 मैच की सीरीज में 0.2 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ये चौथी बार है जब भारतीय टीम टेस्ट में 200 से कम रन के टारगेट को चेंज नहीं कर सकी है। अगली खबर के रूप में बता दें, विदेश की खबर है कि अमेरिका में क्यों मार दी गई एक गिलहरी। है ना जी वो गरीब बात। ट्रंप का जिक्र कर एलन मस्क भी कूदे।
देखिए खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक गिलहरी को मारे जाने के बाद विवाद पैदा हुआ है। अरबपति और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना की है, साथ ही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गिलहरियों को बचाएंगे। दरअसल पिनट नामक एक गिलहरी को पिछले दिनों रेबीज की वजह मार दिया गया था। पिनट सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थी और उसके नाम से बनाए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। यहाँ यूजर्स पिनट की फोटोज वीडियोज को लाइक करते थे। गिलहरी के साथ ही एक रैकून को भी मारा गया है। तो यह बड़ी खबर है विदेश से। वहीं हम आपको बता दें वन प्लस 13 ने पहली सेल में मचाई धूम। 30 मिनट में बिक गए 1 लाख से अधिक फोन यानी स्मार्टफोन। आपको बता दें वन प्लस ने 31 अक्टूबर को चीन में अपने नए स्मार्टफोन वन प्लस 13 का लॉन्च किया। फोन ने बिक्री शुरू होते ही धूम मचा दी। पहली सेल में ही ग्राहक इसे खरीदने के लिए टूट पड़े और कुछ मिनटों में इसके लाखों यूनिट से खरीद डाले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वन प्लस चीन के प्रेसिडेंट लीजी ने वन प्लस 13 की पहली सेल के आंकड़े बताए। लीजी ने खुलासा किया कि कंपनी ने पहली सेल में 30 मिनट के अंदर ही फोन के 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचे, जो वन प्लस फ्लैगशिप के लिए एक रिकॉर्ड भरा पल रहा है। वहीं सर्दी की दस्तक अब होने वाली है। बिहार में इस बार पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड। दिसंबर और जनवरी में 2 हफ्ते ज्यादा दिखेगा असर। बारिश बढ़ाएगी परेशानी, छठ पर ऐसा रहेगा मौसम, खास रहेगा मौसम। आपको बता दें कि बिहार में इस बार 10 नवंबर के बाद ठंड का असर शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर के बाद लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे पहले राज्य के सभी 38 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे ठंड बढ़ने की सर्दी बढ़ने की बातें सामने आ रही है। वहीं एक अलग खबर हम आपको बता दें कि मात्र 15 रुपये के लिए महिला की नाक काट दी गई। अररिया में बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स लेने गई थी, बकाया नहीं देने पर फरसा से किया वार। नाक कटने की यह चर्चा काफी चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें अररिया में 15 रुपये के लिए एक महिला की नाक काट देने का मामला सामने आया है। महिला अपने बच्चों के लिए पास की दुकान से कुरकुरे और चिप्स लेने गई थी। महिला के पास चेंज पैसे नहीं थे तो उसके बाद में बाकी पैसे देने की बात कही। इस बात को लेकर दुकानदार और महिला के में विवाद हुई और उस बात बढ़ते चली गई और बात बढ़ने पर विवाद बढ़ने पर मारपीट में वह विवाद बदल गई। इसी बीच महिला पर फरसा और लाठी से हमला किया गया, जिससे उसकी नाक कट गई। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा नीतीश राज में अपराधी बेलगाम हैं। तो यह तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। वहीं मीसा भारती के बयान पर सम्राट चौधरी भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा लालू यादव पर बड़ा हमला भी किया है, कहा अपने परिवार के अलावा किसी को भी आगे बढ़ने की औकात नहीं, यानी बढ़ाने की औकात नहीं लालू प्रसाद की। यह सम्राट चौधरी का बयान है। मेरी राजनीति में उत्पत्ति उनके लालू यादव के अत्याचार के खिलाफ ही हुई है। उनके अत्याचार की वजह से हम राजनीति में आए हैं। यह सम्राट चौधरी ने बीते दिन आपको बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जनवरी से सरकारी स्कूलों में ली जाएगी डिजिटल अटेंडेंस, यानी कि फेस अटेंडेंस होगा। एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, नया बदलाव होने जा रहा है कि अब शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ ही शिक्षा कोष पर अटेंडेंस के साथ अब बच्चों का भी फेस अटेंडेंस होगा, ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, तो अब एक तरफ शिक्षकों को भी परेशानी बढ़ेगी और अभिभावक और बच्चों को भी परेशानी बढ़ने जा रही है। 1 जनवरी 2024-25 से यह लागू हो जाएगा। इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हमारी उपलब्धि है, कहा हमने मात्र 17 महीनों में 5 लाख नियुक्तियां की। अब इस नियुक्ति का भी वे फायदा उठा रहे हैं, जिस पर जदयू के कई नेता ने भी जवाब दिया है और कहा है कि यह उनकी गलत बात है। राज्य के सरकारी स्कूलों में मार्च तक तैयार हो जाएगी नए वर्ग कक्ष। एक कमरे में अब 2 नहीं केवल 1 ही वर्ग की पढ़ाई होगी। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का ऐलान कर दिया है कि अब इसको में सुधार किया जाएगा। यह एक
यूट्यूब पर बात कर रहे शिक्षकों के जवाब में उन्होंने यह बातें कही है। उधर उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिक नियुक्त होंगे। आपको बताते चले कि पद सृजित जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया से सभी मध्य और उच्च विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती होगी। इधर बीसीईसीई ने लेखापालों की बहाली की प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। इधर नियुक्ति प्रोन्नति के लिए मास्टर सर्कुलर देखेंगे अब विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के नाम पर लंबित नहीं होगी प्रक्रिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को मास्टर सर्कुलर का लिंक उपलब्ध कराया है। वहीं हम आपको आगे की खबर हम आपको बता दें कि 4500 CHO बहाली के लिए आवेदन 21 तक है। राजस्वास समिति ने अभ्यर्थियों से मांगा है आवेदन। खबर विस्तार से आपको बता दें, जॉब्स की बात है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होने जा रही है। इस पर विस्तृत खबर आप जान चुके हैं, तो इसके लेकर इच्छुक आप हैं तो जरूर फॉर्म को भरें। 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक जदयू का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगी। वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन, प्रत्येक टीम में 9-9 नेता शामिल होंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 10 नवाचारी परियोजनाओं का चयन किया गया है। 401 परियोजनाओं का चयन किया गया है। देश भर में 50,000 अनुदान राशि मिलती है परियोजनाओं के विस्तार के लिए। सर्वाधिक 6 परियोजनाएं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की है, तो यह प्रयास योजना है, इसमें काफी बदलाव होने वाली है। इधर बिहार में शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 से लिए जाएंगे, 7 नवंबर से 20 नवंबर तक लिए जाएंगे। व्यवसायिक का परीक्षण पूरी तरह सफल बताया जा रहा है और आवेदन के लिए 15 दिनों का मोहलत मिलेगा। नए साल में नए विद्यालय में योगदान करेंगे अब शिक्षक, यह अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है। और इन्होंने शिक्षकों ने आवाज उठाई है कि पुरुष शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग अन्याय कर रही है। हमें 10 पंचायत न देकर 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जा रहा है। महिलाओं का भी मानना है कि महिला शिक्षिकाओं का भी कहना है कि हमें 10 पंचायतों में बांध कर छोड़ दिया गया है। तो यह लिंग भेद का भी आरोप अब लगने लगा है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से तबादला और पोस्टिंग होता है संभव। इधर पंचायत व ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के मानदेय का किया गया भुगतान। 6 से पहले लगभग 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों को साधने की जुगत। बकाया है 8 महीने का, मिला मात्र 4 महीने का। यह हाल है पंचायती राज विभाग का। जेई मेन के लिए 11 शहरों में होंगे केंद्र। प्रश्न के लिए 13 भाषाओं में देना होगा विकल्प। वहीं आपको आगे की खबर बता दें कि बिहार में अगले वित्तीय वर्ष में बिजली की दर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ डालना नहीं चाहती है बिहार सरकार। 15 पैसे प्रति यूनिट कम की गई थी दर। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं का यह राहत की खबर है कि अगले वित्तीय वर्ष में भी बिहार में बिजली दरें नहीं बढ़ेगी। जिस आधार पर विगत 2-3 वित्तीय वर्षों में बिजली के उपभोक्ताओं को राहत नहीं रही, वही परिस्थिति इस बार भी है। इसीलिए इस बात की उम्मीद है कि बिजली की दरें अगले वित्तीय वर्ष में भी नहीं बढ़ेगी, तो यह खुशखबरी है उपभोक्ताओं के लिए। इधर उमेश ने कहा है, यानी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि झूठा श्रेय लूटकर खुद पीठ थपथपा रहे तेजस्वी यादव। नौकरी के बयान पर उन्होंने यह जदयू के उमेश कुशवाहा ने जवाब दिया है। रोजगार सृजन का आंकड़ा लगभग 34 लाख तक जाएगा, उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री के माध्यम से ही बहाली शिक्षकों की हुई है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि बक्सर में सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी, मंजूरी है। आपको बता दें कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 57वीं बैठक में मिली निवेश प्रस्ताव को मंजूरी। चीनी मिल में नई इकाई पर 1,152 करोड़ खर्च होंगे। अवसर है 250 लोगों को भी इसमें रोजगार मिलेगा। बक्सर के जेके सीमेंट फैक्ट्री खुलने से क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा खास रोजगार। नालंदा के बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 2 नई इकाई को मिली स्वीकृति, तो यह खास है बिहार के लिए। बिहार में अगर रोजगार बढ़ता है तो युवाओं की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। बिहार के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।